हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं क्रिस्पी पोटैटो ड्रिंक्स। आज का एपिसोड रॉजर स्पेशल एपिसोड है, जो कि एक ओडिया फेस्टिवल है। आम गूगल एंड मी परिवार रो समस्त दर्शकों को रजर हार्दिक शुभकामना। तो चलो आज एपिसोड स्टार्ट करवा। आज का रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आलू यानी पोटैटोस, और उसके साथ हमें चाहिए बटर और चाहिए हमें लहसुन। लहसुन के 4 कलियां मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और हमें चाहिए धनिया पत्ता, धनिया पत्ता कटे हुए हमें इस्तेमाल करना है। और हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करने वाले हैं आज। और हमें चिली फ्लेक्स चाहिए। चिली फ्लेक्स आप घर में भी बना सकते हैं। ड्राई रेड चिलीज जो होते हैं घर पे, उसको ग्राइंड करके हम चिली फ्लेक्स घर में ही बना सकते हैं। और हमें चाहिए सेमोलिना यानी रवा या सूजी जिसको बोला जाता है। उसके अलावा हमें चाहिए सॉल्ट। और फ्राइंग के लिए हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने वाले हैं। बस इतने ही इंग्रेडिएंट यूज़ करके आज का रेसिपी हम बनाने वाले हैं। ये बहुत ही इनोवेटिव वे है फ्राइज बनाने का। तो आज का रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा। आज का रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम ये बॉइल्ड आलू को मैश करेंगे एक मैशर की मदद से। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर मैशर के हेल्प से ये 3 आलू अच्छी तरह से मैश कर ले रही हूँ। आप चाहे तो ये आलू हाथ से भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का जरूर ख्याल रखिए कि आलू अच्छी तरह से मैश होना ज़रूरी है। अभी हमारा आलू पूरी तरह से मैश हो गया है। अभी इसको हम निकाल के बाउल में साइड में रख देते हैं। अभी हमारे सरफेस में थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। सूजी नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक बारीक और दूसरा एकदम फाइन। अगर आपके घर में नॉर्मल सूजी है तो उसको ग्राइंड करके आप बिल्कुल फाइन कर सकते हैं। हमें ये फ्राइज के लिए बिल्कुल फाइन सूजी चाहिए, इसलिए हम इसको ग्राइंड कर देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारा सूजी एकदम फाइनली ग्राइंड हो गया है। अभी इसको हम बाउल में निकाल के साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट हम एक ग्रेटर की हेल्प से हमारे जो लहसुन के कलियां हैं इन सबको ग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल फाइन चाहिए। इसको कूटने या काटने से हम प्रॉपर तरह से फाइन नहीं कर सकते, इस वजह से हम ग्रेटर की हेल्प से इसको धीरे धीरे ग्रेट करते हुए एकदम पतला पतला कर लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आए और रिंग्स में ये बाहर ना निकले। अभी हमारे सारे प्रिपरेशन हो गए हैं। नेक्स्ट हम गैस में चढ़ाएंगे फ्राइंग पैन, और उसमें हम डालने वाले हैं 2 चम्मच बटर जो हम रखे हुए थे। बटर को गर्म होने तक का इंतज़ार करिए। जब बटर में थोड़े से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे बटर बिल्कुल गर्म हो गए हैं। बिल्कुल धीमी आंच में आपको पकाना है, हाई फ्लेम में नहीं। उसके ऊपर हम डाल देंगे लहसुन की कलियाँ। जो लहसुन हम ग्रेट करके रखे हुए थे वो लहसुन हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिया है। हम ये सारा प्रोसीजर मीडियम फ्लेम में करेंगे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम हमें नहीं देना है, नहीं तो बटर या फिर बाकी चीज़ें जल जाने का चांसेस रहता है। हमें लहसुन की कलियाँ को काफ़ी बारीक से लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, पूरी तरह से रेड नहीं करना है। जब इसमें से एक भीनी भीनी खुशबू आने लगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी पानी। पानी इसलिए क्योंकि हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए हमें पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम 1 कटोरी पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी मैंने सूजी इसमें ऐड कर लिया है। सूजी को अच्छी तरह से आप इसके साथ मिक्स करिए, धीरे धीरे भूंजिए। ये मीडियम फ्लेम में ही हमें पूरी तरह से करना है। हम जो प्रिपरेशन किए थे सूजी पूरी तरह से इसको अब्जॉर्ब कर गया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा और पानी भी ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें ये थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें एकदम पानी जैसा नहीं बनाना है। इसमें हम जो पोटैटो मैश किया हुआ रखे थे उसको भी ऐड कर लेंगे। आप मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, ताकि कोई लंप ना रह जाए। जैसे आप देख पा रहे हैं सूजी और आलू को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ।
आप मैशर के हेल्प से इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए ताकि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाए, इसमें जैसे कोई लंप ना रह जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट पोजीशन में छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि ये अगर ठंडा नहीं होगा तो हम रिंग्स नहीं बना पाएंगे। अब हमारा डो पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसको मैं अभी चॉपिंग बोर्ड में निकाल दे रही हूँ। आप चाहे तो आपके घर में अगर बेलन होगा तो बेलन का यूज भी कर सकते हैं। मेरा चॉपिंग प्लेट थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसमें अभी हम ऐड करेंगे कटे हुए धनिया पत्ता जो हम रखे हुए थे, मुट्ठी भर धनिया पत्ता काफी है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर ले रही हूँ, पूरा एक कटोरी कॉर्नफ्लोर इसमें लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बेल लीजिए, बिल्कुल आटे का जो डो होता है उसी के जैसा ये डो बन जाएगा, लेकिन हाथ में अच्छी तरह से हमें मसल के ये डो बनाना है। बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी के साथ हमारा डो प्रिपेयर हो गया है। अब हम बेलन में थोड़ा सा घी लगा देंगे या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये चिपके ना। अभी हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर प्लेट में नीचे बिछा दे रहे हैं ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो भी चला जाए। इसको पतला हम बेल लेंगे, लेकिन इस चीज का ख्याल रहे कि बहुत पतला हमें नहीं बेलना है, क्योंकि इसको हम काटने वाले हैं तो इसलिए बहुत पतला हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा थिक ही इसको बेलना है, हमें बिल्कुल भी गोल बनाने का जरूरत नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा डो रिंग्स बनाने के लिए एकदम तैयार है। इसको हम एक ग्लास और एक छोटा ढक्कन में यूज करने वाली हूँ। आप चाहे तो जो रिंग कटर होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दो कटोरी एक छोटा एक बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये दो अवेलेबल है, इस वजह से मैं एक ढक्कन और एक ग्लास की मदद से ये रिंग्स काट रही हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं पहले मैंने बड़े रिंग्स काट लिए, उसके बीच में से मैं छोटा छोटा रिंग्स अभी काट ले रही हूँ। ये बड़े रिंग्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और छोटे गोल गोल ये जो चिप्स जैसे बने हैं इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, ये भी काफी टेस्टी लगता है। अभी हमारे रिंग का जो साइड वाला पोर्शन है इन सबको हम धीरे धीरे हल्के हाथ से निकाल लेंगे। ये काफी सॉफ्ट होता है तो इसीलिए बहुत केयरफुली इस स्टंप को हमें अलग करना है। ये जो एक्स्ट्रा डो हम साइड से निकाल रहे हैं इन सबको वापस से हम रिंग्स बना लेंगे। अभी हम गैस ऑन करके उसमें कढ़ाई तेल का कढ़ाई बिठा दे रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं तेल गरम हो गया है, एक के बाद एक मैं रिंग्स पहले तलना शुरू कर दे रही हूँ। हमें रिंग्स तलते हुए इस चीज का ख्याल रखना है जैसे एक के साथ दूसरा चिपक ना जाए, क्योंकि ये रिंग्स काफी सॉफ्ट होते हैं तो बहुत केयरफुली हमें फ्राई करना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे रिंग्स एकदम बढ़िया तरह से फ्राई होके निकल रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे रिंग्स एकदम डीप येलो कलर का होके काफी क्रिस्पी होके निकल रहे हैं। लगभग सारे रिंग्स मैंने फ्राई कर लिया है। अभी नेक्स्ट हम जो गोल गोल चिप्स जैसे इसके बीच वाला पोर्शन था उसको भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से शेप भी दे सकते हैं। मैं ये रिंग्स को भी चौकुना करके काट के इनको छोटे छोटे नमकीन जैसे भी बना दे रही हूँ, क्योंकि ये सारा चीज आप अपने चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। इनको ट्रायंगल तरह से भी काट सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप किस तरह से इसको बनाना चाहते हैं। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो। आज का रेसिपी काफी अनोखा रेसिपी है, आप स्पेशल ओकेजन में घर में बना के ये बच्चों को दीजिए, बड़े भी इसको काफी पसंद करेंगे। आप फ्रेंच फ्राइज खाना भूल जाएंगे, इसका टेस्ट इतना यमी लगता है। इसको आप हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में देने के लिए भी ये काफी अच्छा है। आप इस डो को हफ्ते भर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब भी जरूरत पड़े इसको निकाल के आप कोई भी शेप बना के फ्राई करके इमिडिएटली सर्व कर सकते हैं। इस ये रिंग्स खाने के बाद आप मार्केट का फ्रेंच फ्राइज खाना भूल जाएंगे, इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों को काफी पसंद आया हो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा उसको हिट करके
ग्रे कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को हिट करके रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।